अब बात करते हैं शिमला की, जहां भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने भाजपा महिला मोर्चा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के तहत अधिकतर महिलाओं के खाते खुलवाकर और उज्ज्वला सहित मुद्रा योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया है, जबकि प्रदेश सरकार ने भी गृहिणी सुविधा योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्य होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और जब जब भाजपा सत्ता में आई तब तब महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। इंदु गोस्वामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देकर महिला वर्ग का सम्मान बढ़ाया है। कांग्रेस को घेरते हुए इंदु गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को झूठे आंकड़ों पर गुमराह करती आई है। रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है, तो इसलिए हुआ है जब हमें स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण मिला और वो आरक्षण हमें दिया था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और तब यहाँ प्रदेश में धूमल जी का नेतृत्व था। तो जिस दिन 50% आरक्षण हुआ महिलाओं का, मैं समझती हूँ उसी दिन से हमारा राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो गया, क्योंकि हम लोग सामाजिक रूप से सशक्त हैं। महिला जो है वो घर की जिम्मेदारी निभाती है, हम सामाजिक रूप से भी, जैसे मैंने बोला पारिवारिक रूप से सशक्त है, लेकिन सामाजिक रूप से सशक्त थी क्योंकि समाज के सारे क्रियाकलापों में हम मुख्य रूप से भाग लेती थी, लेकिन राजनीतिक रूप से हम पूरी तरह सशक्त नहीं। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रश्मिधर सूद ने कहा कि महिलाओं को भाजपा में हमेशा बेहतर मौके मिले हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में भी महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की इस बार बहुत सारी बहनों को टिकटें मिलेंगी और वो बहनें अपने दमखम से समाज में अपनी शक्ति से संगठन के सहयोग से जीत कर आएंगी और इस 2022 की विधानसभा में आप देखेंगे कि कितनी सारी बहनों का चयन होगा।